आई नो दैट फीलिंग जब आप कोई फोटो वीडियो या किसी भी टाइप की फाइल डिलीट कर देते हो एक्सीडेंटली और उसको रिकवर नहीं कर पाते हो। कुछ साल पहले मेरे साथ भी ऐसी हुआ था, एक साल का डाटा मैंने डिलीट कर दिया था, मैंने कम्प्लीटली फॉर्मेट कर दी थी हार्ड डिस्क और उसके बाद मैं रिकवर नहीं कर पाया था। बट टुडे आई हैव अ सॉल्यूशन। हे गाइस, मेरा नाम हिमांशु, आप देख रहे हैं क्रिएटरशेड और आज किसी वीडियो में बात करते हैं कि किस तरह से आप अपनी डिलीटेड फाइल्स को रिकवर कर सकते हो। सो इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है वंडर शेयर रिकवरिट ने, बट ऑल द ओपिनियंस एंड एक्सपीरियंसेस आर माय ओन। ओके, तो एक लाइव एग्जांपल देता हूँ कि किस तरह से इसको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और उसके बाद रिकवर कैसे करना है डिलीटेड फाइल को। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहां पे जाना है आपने। आप पहुंचोगे recoverit.wondershare.com पे। बहुत ही ज्यादा क्लीन इंटरफेस है, ये दोनों के लिए है, विंडोज पीसी के लिए भी और मैक के लिए भी है। मैं इस वक्त मैकबुक यूज कर रहा हूँ तो मैं मैक के लिए इसको डाउनलोड कर लूंगा। यार बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर है, अराउंड 50 लाख डेटा रिकवरी हो चुकी है 2003 से। ये तो बेरहम चीज़ है यार। इसमें आप फोटोज, वीडियोस, ऑडियोज, ईमेल्स और बहुत सारी चीज़ें रिकवर कर सकते हो। और ये तो मैंने बता ही दिया था कि पीसी और मैक के लिए है, और हार्ड ड्राइव, यूएसबी, एसडी कार्ड, जो भी आपके पास डाटा डिवाइसेस है उन सब से रिकवर कर सकता है इजीली। ये 1000+ फाइल फॉर्मेट्स ये रिकवर कर सकता है किसी भी स्टोरेज मीडिया से। स्टार्टिंग में सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये फ्री में 100 MB तक डाटा आपका रिकवर कर सकता है, और उसके बाद इफ़ यू लाइक इट, अगर आपका काम बन रहा है इससे तो आप इसको खरीद भी सकते हो। ओके, तो इंस्टॉल करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इंस्टॉलर पे डबल टैप करो और ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस इसमें आएगा। अब आपको लोकेशन सिलेक्ट करनी है जहां से आपने रिकवर करना है। आई हैव दिस पेन ड्राइव जिससे मैंने फाइल्स रिकवर करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये पेन ड्राइव खोली और इसमें 4 फाइल्स हैं। एक MP3 फाइल है, एक PDF फाइल है, एक फोटो है और एक वीडियो है। तो इन चारों फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ और रिसाइकल बिन से भी इसको परमानेंटली डिलीट कर देता हूँ। ऑलराइट, यहाँ से डिलीट हो चुकी है। अब मुझे ये पेन ड्राइव में ये 4 चीज़ें रिकवर करनी है। सबसे पहले तो मैं अपने एक्सटर्नल डिवाइस में और अपनी पेन ड्राइव सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे, और उसके बाद स्टार्ट पे टैप कर दूँगा। ये स्कैनिंग करना स्टार्ट कर देगा और आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी इसने आपकी फाइल्स शो कर दी है इस पर। अब आप इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि इज़ इट वर्किंग और नॉट, जैसे कि ये वीडियो है। इस वाली पेन ड्राइव में इतनी सारी फाइल्स है जो रिकवर होने के लिए हैं, बट मैं फ़िलहाल इसको पॉज कर दूंगा क्योंकि मैंने सिर्फ 4 ही फाइल्स रिकवर करनी है। बट अगर आपने पूरी पेन ड्राइव रिकवर करनी है तो इसको चलते रहने देना जब तक ये 100% नहीं हो जाता है। मैं वैसे रिकमेंड नहीं करता हूँ इसको पॉज करना, इसको पूरा स्कैन होने देना, फिर उसके बाद आपने जो भी चीज़ें रिकवर करनी है। पर फॉर द सेक ऑफ द वीडियो आई एम जस्ट पॉजिंग इट। अब मुझे जो जो भी चीज़ें चाहिए मैं इससे वो ले लूँगा। एक PNG फाइल होगी, ये MP4 फाइल होगी, ये MP3 फाइल होगी और एक PDF फाइल थी। ये 4 फाइल्स मेरी पेन ड्राइव से मिसिंग, मतलब डिलीट कर दी थी। इसको मैं अब रिकवर करता हूँ। ऑल राइट, तो इसमें बता रहा है कि ये 3 पैकेजेस है जो आपको खरीदने पड़ सकते हैं अगर आपका 100 MB से ऊपर हो। बट मैंने रिकवर करना है सिर्फ 14.35 MB डाटा, क्योंकि थोड़ा सा डाटा मैंने पहले भी रिकवर करके देख चुका हूँ उसमें। अभी ये फोल्डर बन जाएगा इसका, मैं इसको डेस्कटॉप पे ही रखता हूँ और यहाँ पे सेव कर देता हूँ। दैट्स इट, दैट्स हाउ सिंपल इट इज़। अब मुझे वही 4 चीज़ें इस फोल्डर में मिल जाएगी जो मैंने रिकवर की है। फर्स्ट MP3 फाइल, सेकेंड PDF, थर्ड एक PNG फाइल और फोर्थ एक MP4 फाइल जो वीडियो फाइल थी। इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस है इसमें। अगर आपने एडवांस्ड रिकवरी करनी है, अगर आपने बहुत ज़्यादा डीप स्कैन करना है तो वो भी आप कर सकते हो अलग अलग फॉर्मेट में, और पूरी तरह से देख सकते हो कि कौन कौन सा डाटा किस किस उस फॉर्मेट में पड़ा है और कौन कौन सा आप रिकवर करना चाहते हो। कोई क्रैश हो चुकी इन चुकी है कुछ फाइल्स, तो उसके लिए भी इनके दूसरे सॉफ्टवेयर्स में ऑप्शन है। बट फॉर दिस ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा सही लगा। तो मैं इसको क्यों रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि एक तो अगर आप बाहर जाओगे कहीं पर भी तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। मेरे एक कज़न ब्रदर है, उनकी हार्ड डिस्क क्रैश हुई तो उसमें अराउंड 2 TB का डाटा पड़ा था और उन्हें सारा डाटा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो वो बाहर गए तो उनको जो एस्टिमेट दिया गया था वो दिया गया था अराउंड 15,000 से लेकर 50,000 तक। तो
तो इसके बीच में कुछ भी प्राइस हो सकता था रिकवर करने के लिए। तो बस इतना ही था इस वीडियो के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये 100% फ्री है अगर आपने 100 MB तक का डाटा रिकवर करना है, उससे अगर ऊपर करना है तो आपको ये खरीदना पड़ेगा। बट बिलीव मी अगर आपका डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो इससे सस्ता ऑप्शन आपको कोई नहीं मिल सकता है। फ्री रिकवरेट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में होंगे, तो वहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना इस वीडियो को, अगर नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जो लाल बटन है उसको दबा देना और घंटी भी दबा देना, ताकि जैसे ही मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ वैसे ही आप तक पहुँच पाए।